नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह चौहान, पूर्व सैनिक, संगठन मंत्री, उत्तर जोन, आम आदमी पार्टी, अहमदाबाद। आज मैं खड़ा हूँ कृष्णा नगर पोस्ट ऑफिस के सामने। ये कृष्णा नगर पोस्ट ऑफिस के सामने मूर्ति है। ये क्या है, कृष्णा नगर पोस्ट ऑफिस के सामने के बगल में ही ये शौचालय है। शौचालय, पूरे शौचालय भी है इसमें, आप देख लीजिए। ये हमारे देश के स्वच्छता अभियान की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन को कहूँगा पूरा अंदर से पहले पूरी इसकी सफाई का, या देख स्वच्छता अभियान का पूरा वीडियो बना के लाओ पूरा सबको ले। और ये जो जो वीडियो देख रहे हो लाइक ज़रूर करते रहना भाई, लाइक करते रहना, यानी वीडियो शेयर भी करते रहना। आप देखिए सामने, बताते जाइए। हाँ बोलिए आप। जो है ये स्वच्छता अभियान कैसा है आप देख लीजिए। ये साफ सफाई है शायद यहाँ पर कितने सालों से नहीं चल रही है। हाँ, कितने सालों से यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है। अभी आप पूरा कैमरामैन को यही कहूँगा कि ये पूरा दिखाइए सब पूरा। ये है सफाई, ये अहमदाबाद के अंदर कृष्णा नगर के अंदर का एरिया है। कृष्णा नगर का शौचालय है जो कि कृष्णा नगर पोस्ट ऑफिस के बगल में है। पूरा मैं कैमरामैन को कहूँगा पूरा दिखाएं पूरा, और थोड़ा वहाँ तक कैमरा को जूम करके दिखाएं। अभी हम लोग बात करेंगे, हाँ दिखा दीजिए जल्दी से जल्दी। अभी हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय नागरिकों से। अभी हाँ जी आ जाइए कैमरामैन, देखिए काका आपका नाम बताइए। परक्षा। हाँ, 5 वर्ष ये जो उस कचरे में गंदगी एम नहीं एम छे रस्ता में चला तो नहीं करी ने, बेन दिखरी जाती है, वास बहुत होती है करी ने, म्युनिसिपालिटी कहीं करती नहीं करी ने, कंप्लेंट आप भी बधु करू कहीं था तो नहीं करी ने। कितने दिन पहले कंप्लेंट आपी थी अपने? बरस डॉक्टर से जीव थे क्यों करी ने। हाँ अभी बताइए काका, आप क्या कहना चाहेंगे इस शौचालय के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए आपका व्यू क्या है भाई। ये कायम के लिए खराब है और कभी सफाई होती नहीं है और कभी सफाई ये लोग इधर कॉर्पोरेट कराते भी नहीं है। चलो ये बात तो ठीक है, कॉर्पोरेटर कराते हैं या नहीं कराते वो अलग चीज़ बात है, परंतु जो यहाँ के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर साहब से मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, या तो इस पेशाब घर को गिरा दिया जाए, या तो तोड़ देना चाहिए, नहीं तो इसको साफ सुथरा करके हर रोज़, नहीं तो कम से कम हर सप्ताह में एक बार सफाई कर्मी आकर के यहाँ साफ करना चाहिए। और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ जो है स्वच्छता अभियान जो हमारे अहमदाबाद के अंदर का कृष्णा नगर का जो स्वच्छता अभियान है उससे सब लोग जागरूक हो जाएँ और देखें और बताएँ। और काका बोलेंगे कुछ, आप बताएँगे कुछ? हाँ जी बोलिए काका, क्या होना चाहिए इसका, आप बताइए नरेश भाई। क्या बताएंगे इसके अंदर, हमने बहुत बहुत मेहनत किया है ये मुतनी तोड़ने के लिए, लेकिन क्या करें आज तक किसी ने इसके अंदर कोई काम किया नहीं है। मैंने भी बहुत फरियाद किया है, बहुत दफ़े मुतनी साफ भी करवाया है, बहुत आते हैं लोग 2-3 दिन का साफ करके फिर चले जाते हैं, इसके अंदर आगे कुछ देखते नहीं है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ये मुतनी टूट जावे, टूट के बस दूसरा ये नया शौचालय बने। इस मुतड़ी का यानी इस शौचालय का कंडीशन इस हालत में पहुंच चुका है कि ये इसके या तो रोजाना यानी वीकली सफाई होना चाहिए, नहीं वीकली सफाई नहीं होता है तो सबसे अच्छा है इसको तोड़ डालो, तहस कर दो, तहस नहस कर दो, ख़त्म करो कहानी को, ताकि ये स्थानीय लोगों को कम से कम बदबू से तो छुटकारा मिले। जिस तरह से बदबू आ रही है यहाँ लोगों के बीच में, यहाँ खुले में टॉयलेट कर रहे हैं लोग, शौचालय कर रहे हैं यानी टॉयलेट करके जा रहे हैं, खुले में करके जा रहे हैं ना, कोई देखने वाला नहीं है और ना कोई बोलने वाला है। ठीक है और बताइए आप कुछ बोलेंगे भाई। ये शौचालय के बगल में दोनों साइड पे, एक साइड पे अब बगीचे है, गार्डन है बैठने का सीनियर सिटीजन के लिए, और दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल है। अब इतना बड़ा कुछ करने को कुछ तैयार नहीं है, जो कॉरपोरेटर है कुछ करने को तैयार नहीं है। ये करीबन 5 साल से ऐसी परिस्थिति में है, मैंने कई बार अर्जी दर्ज किया है लेकिन कोई परिणाम नहीं है, 0 परिणाम है जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।